हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टोरी राइटिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टोरी राइटिंग देखेंगे जो कि आपकी बुक का 17 चैप्टर है। तो स्टोरी में देखिए, हम इस वीडियो में दो स्टोरी को देखेंगे। बेटा जो स्टोरी राइटिंग है, मैं आपको इस दो वीडियो तो मतलब दो स्टोरी तो पढ़ाऊँगी, लेकिन एग्ज़ाम में मैं स्टोरी आपको नहीं दूँगी। ओके, तो बस स्टोरी आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट स्टोरी है द फार्मर एंड हिज लेजी सन। फार्मर, किसान और उनका और उनके मतलब कि आलसी बेटे। तो ये देखिए, एक फार्मर है, उसके चार बेटे हैं ना, पांच बेटे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या है इस स्टोरी में। ये स्टोरी आपने पहले भी पढ़ी होगी बचपन में, आज एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। ठीक, तो वंस देयर वाज अ फार्मर, एक समय की बात है, किसान था, उसके फाइव ही हैड फाइव सन्स, पांच बेटे थे। द फार्मर वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग अप हिज सन, जो फार्मर था वो काफ़ी कठिन परिश्रम किया था अपने बेटे को बड़ा करने में। वन डे ही वॉज वेरी इल, एक दिन वो बहुत बीमार था। ही न्यू डैट हिज सन्स वर वेरी लेजी, उसे पता था, वो जानता था कि उसके जो बेटे हैं पाँचों, वो काफ़ी लेजी हैं, आलसी हैं। ही वॉज वरीड, वो काफ़ी चिंतित था एज़ टू वॉट दे वुड डू इन लाइफ आफ्टर हिज डेथ, मतलब वो इसलिए चिंतित था कि उसके मरने के बाद उसके बेटे अपनी लाइफ में क्या करेंगे। ठीक, द फार्मर थॉट ऑफ अ प्लान, जो फार्मर था उसने एक प्लान सूझा। एंड देन ही कॉल्ड हिज सन, वो अपने बेटों को अपने पास बुलाया, जैसा कि इस पिक्चर में बताया गया है। ही टोल्ड देम अबाउट अ सीक्रेट ट्रेजर ब्यूरीड इन द फील्ड, वह अपने बेटे को या सभी बच्चों बेटों को एक सीक्रेट ट्रेजर मतलब कि जैसे खजाने के बारे में बताता है जो कि उसके फील्ड में गड़े हुए होते हैं। आफ्टर डिस्क्लोजिंग द सीक्रेट टू देम, जब वो अपने बेटे को इस सीक्रेट को बताता है, डिस्क्लोज करता है। ठीक है, द फार्मर क्लोज हिज आईज एंड डाइड, अब बताने के बाद जो फार्मर रहता है वह आँख बंद करता है और मर जाता है। द सन्स वर वेरी हैप्पी थिंकिंग नाउ दे वुड बिकम रिच विदाउट मच लेबर, और उनके जो बेटे होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं ये सोच के कि अब वो बिना लेबर के बिना काम के काफ़ी अमीर हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल ऑफ देम बिगेन डिगिंग द फील्ड, दूसरे दिन सभी मिलके खेत खोदने लगते हैं। डिगिंग मतलब होता है खोदना। द डग एवरी इंचज ऑफ द फील्ड, वे क्या करते हैं, खेत के सभी इंचेस को डक कर देते हैं मतलब कि खोद देते हैं। बट फाउंड नथिंग, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत उदास हो जाते हैं। देन दे थॉट दैट सिंस द फील्ड वॉज फाइनली डग, फिर उन्हें वो सोचते हैं कि फील्ड जो है वो खेत है वो तो उन्होंने पूरी तरह से तो खुदाई कर दी, वाई नॉट सो सम सीड्स एंड रेज द क्रॉप, तो क्यों नहीं इसमें कुछ बीजों को डालते हैं, सीड्स को डालते हैं और क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगे उसमें से। दे डिड जस्ट दैट एंड गॉट अ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर, और ऐसा करने के बाद वो क्या होता है कि उस साल उन्हें काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है, मतलब काफ़ी अच्छा अनाज निकलता है। दे सोल्ड द क्रॉप एंड गॉट एनफ मनी, उसके बाद वो क्रॉप को बेच देते हैं और उन्हें खूब सारा पैसा मिल जाता है। एट दैट मोमेंट, उस समय दे रियलाइज दैट, उन्हें रियलाइज होता है कि लेजीनेस इज अ कर्स, लेजीनेस क्या है, साफ है, मतलब साफ है, सही नहीं है। एंड देयर फादर हैड टॉट देम अ गुड लेसन, और उनके फादर ने उन्हें अच्छा लेसन सिखाया है। तो ये स्टोरी है बेटा फर्स्ट, जो मैंने आपको भी यहाँ पढ़ाया। और सेकेंड स्टोरी देखिए, एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं ना, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस, कुछ ही छोटे सा क्लू दिया है, आउटलाइन दिया है, इसके बेस पे राइट स्टोरी ऑन योर ओन, इसके बेस पे आपको अपने वर्ड्स में स्टोरी लिखनी है और सुटेबल टाइटल भी देना है स्टोरी का। ठीक है, तो इनके ही बेस पे लिखनी है। ये जो स्टोरी है वो किसकी है मैं बताती हूँ, भेड़ की है, एक बच्चे एक लड़के की है। देखिए स्टोरी यहाँ से देखिए, वंस देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय हु हैड टू लुक आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शेप, वन डे ही फेल्ड बोल्ड एंड डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द विलेजर्स, एक समय की बात है, एक शेफर्ड बॉय होता है मतलब कि भेड़ चलाने वाला चरवाहा होता है। ठीक है, वो ढेर सारे भेड़ों को लेके चरा रहा होता है, एक दिन उसे बहुत बोरिंग फील होती है, इसीलिए ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक, वो क्या डिसाइड करता है विलेजर्स के साथ, मतलब कि सोचता है कि वह एक मजाक करेगा गांव के लोगों के साथ, और वो चिल्लाने लगता है हेल्प वोल्फ वोल्फ, क्या चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ मदद करो भेड़िया आई। ठीक है,
द विलेजर्स हियर्ड हिज क्राइज एंड रश्ड आउट ऑफ द विलेज टू हेल्प द शेफर्ड बॉय। उस दिन फिर क्या होता है, उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो विलेजर्स होते हैं वो दौड़ के आते हैं उसके पास शेफर्ड बॉय की हेल्प करने के लिए। ठीक, तो व्हेन दे रिच्ड हिम दे आस्क्ड वेयर इज द वुल्फ। जब वो उसके पास पहुँचते हैं तो उससे पूछते हैं कि वुल्फ कहाँ है। ठीक, द शेफर्ड बॉय लाफ्ड लाउडली, वो बहुत तेज हंसने लगता है, हा 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 फूल्ड यू ऑल, कहता हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को मूर्ख बनाया। आई वॉज ओनली प्लेइंग अ ट्रिक ऑन यू, मैं सिर्फ एक मजाक कर रहा था। ठीक, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद द शेफर्ड बॉय प्लेड अ ट्रिक अगेन, ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन शेफर्ड बॉय ने यही ट्रिक सेम फिर से मतलब यही मजाक किया। ही क्राइड हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ अगेन, वो फिर से बोला उस दिन हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ, भेड़ आया फिर से जाने लगा। द विलेजर्स रश्ड अप द हिल टू हेल्प हिम, उसके बाद जो विलेजर्स गांव के लोग होते हैं वो दौड़ के उसके पास जाते हैं हेल्प करने के लिए। ठीक, लेकिन अगेन दे फाउंड दैट द बॉय हैड ट्रिक्ड हिम, उसके बाद वो जो गांव के लोग होते हैं वो देखते हैं कि फिर से इस लड़के ने क्या किया, मजाक किया उन लोगों के साथ। दे वर वेरी एंग्री विद हिम, वो उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं फॉर बींग सो नॉटी, मतलब इतने शरारती होने पर वो जो गाँव के लोग होते हैं उस बच्चे पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, देन समटाइम्स लेटर अ वोल्फ रियली वेंट, एक समय कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जो वोल्फ होता है वो रियली में आता है इनटू द फील्ड। द वोल्फ अटैक्ड वन शिप एंड फाइंड अनदर एंड अनदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है वोल्फ। ठीक है, और वोल्फ जो रहते हैं भेड़ वो एक एक करके शिप पर अटैक करते हैं। द शेफर्ड बॉय रैन टुवर्ड्स द विलेज शाउटिंग हेल्प हेल्प वुल्फ हेल्प समबडी। उस दिन जब सच में भेड़िया आ जाता है तो वो जो बॉय होता है वो मदद के लिए बहुत देर तक चिल्लाता है कि मतलब हेल्प हेल्प वुल्फ वुल्फ, भेड़ आया। बट द विलेजर्स हियर्ड हिज क्राइज बट दे लॉफ्ड बिकॉज दे थॉट इट वॉज जस्ट अनदर ट्रिक। जब गाँव के लोग उसकी बात की आवाज़ की क्राई सुनते हैं तो उन्हें लगता है, ठीक है, तो उन्हें जो उन्हें लगता है जब विलेजर्स सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि फिर से उस लड़के ने मजाक ही किया होगा। द बॉय रैन टू द नियरेस्ट विलेजर एंड सेड अ वॉल्फ इज अटैकिंग द शिप। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो एक विलेजर्स के पास जाके कहता है कि जो वॉल्फ हैं वो शिप पे अटैक कर रहे हैं। आई लैड बिफोर, मैंने पहले तो झूठ बोला था लेकिन इस टाइम मैं सच बोल रहा हूँ। फाइनली द विलेजर्स वेंट टू लुक, और जब फाइनली विलेजर्स जाते हैं देखने के लिए तो वो सच में वह सही बात होता है। दे कुड सी द वुल्फ रनिंग अवे एंड मैनी डेड सेल्फ, वो देखते हैं कि बहुत सारे भेड़िया हैं वहाँ पे और बहुत सारे मरे हुए सेल्फ हैं लाइंग ऑन द ग्रास, ग्रास पे मरे हुए हैं पड़े हैं। ठीक है, वी मे नॉट बिलीव सम वन हु ऑफन टेल्स लाई, हमें इससे क्या मोरल मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे, और इवन अगर हम हमेशा झूठ बोलते रहेंगे तो अगर हम कभी लाइफ में अगर सच भी बोलेंगे तो लोग उस पे भरोसा नहीं करेंगे। तो बेटा हमने यहाँ पे देखे दो स्टोरियों के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि स्टोरी मैं आपके एग्ज़ाम में नहीं दूंगी, बस आपके सिलेबस में था तो मैंने पढ़ा दिया। ओके, थैंक यू।